तबाको चीज को थोड़ा ज्यादा स्त्री करने से ठीक है, करकी में जाता तुक्के रखता है ना डस्टबिन में, वही है खराब हो गया। यह तो बोलते हैं कि आपका ये मशीन ठीक नहीं है, बाहर भेजना पड़ेगा। कभी कभी हम ईटानगर से इतना दूर से आता है। याद करने से मतलब डिसएडवांटेज वही है कि 3-4 लाख देते हैं टाइम जो। कोई कोई सीरियस पेशेंट आते हैं वो, ताकि नो आज आज बने बोल के ओपीडी बने ऐसे नोटिस देने से ठीक है। जिस लोग का इंश्योरेंस नहीं होता वो लोग को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए खोला गया है। दर्शकों, यहाँ के फैफले क्या आप लोग सही, इतना गंदे की फैलाना आप लोग सही लगता है क्या मेडिकल में? नमस्कार दर्शकों, आप सभी को स्वागत है अवध टीवी पर। मैं ताजुम गारम इस वक्त अरुणाचल के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल ट्रिम्स यानी कि तोमो रिबा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंस नारलागन से रिपोर्ट कर रहा हूं। तो आज हम जानेंगे कि लोगों को यहां क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है और लोगों को किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, तो उनसे हम यहाँ अभी जानेंगे। चलिए, दो एक पानी जो थोड़ा ये फ्री वाला जो वो जो अंदर में कमती मिलता है, ज़्यादातर बाहर में लेना पड़ता है कार्ड वाला लोग ना, और कार्ड वाला के लिए थोड़ा उसका सुविधा अंदर में ज़्यादातर दवाई को ज़्यादा रख देने से ठीक है मेरा हिसाब से, और ज़्यादातर कार्ड का वैल्यू नहीं चलता है और कार्ड का ये सामान को अंदर में ज़्यादातर नहीं रखता है, वही है। और आप साफ सफाई कैसे? साफ सफाई तो थोड़ा टिकी है, थोड़ा ये तबाको चीज़ को थोड़ा ज़्यादा स्त्री करने से ठीक है, करकी में जाता तुक्के रखता है ना डस्टबिन में, वही है। और ये जारू थोड़ा ठीक है, लेकिन तबाको चीज़ को ना थोड़ा ठीक करने से ठीक है। हाँ, बाहर जैसे कि कोई कोई आपका वहाँ पे जा टेस्ट करता है, वहाँ जाके कभी कभी आपका ब्लड में भी बहुत सा पैसा चला जाता है। हाँ, अगर यहाँ पे नहीं होने से बाहर जाने से आपका ये 7-8 हज़ार तो चला ही जाता है। हाँ नहीं, कुछ चीज़ ऐसे कि मतलब आपका कोई बोलता है कि मशीन ठीक नहीं है ना अभी, हाँ तो उसको आप बाहर टेस्ट करो बोल के। फॉर एग्जांपल उस दिन तुक्का था, तो यहाँ पे नहीं होगा बहुत, आपका एक दो ये 15 दिन ऐसे कुछ लगे बोला है, तो हम जाके बाहर में किया ना। वही आपका कुछ चीज़ ऐसे कि ज़्यादातर तो हो जाता है, कोई चीज़ है कि आपका अभी जो हम बोला है जो नहीं होता है, बोलता है कभी कभी एक हफ्ता ऐसा कुछ लग जाएगा, तो बाहर जाके करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। हाँ, मेडिकल जैसे कि हम लोग जो चल भले ही यहाँ नहीं होता, तो बाहर उनसे भी कर लेता है अपना ये जो पेशेंट के लिए ना। मशीन तो है बोला है, मशीन तो है। हाँ, लेकिन कभी कभी मतलब मशीन जो है कि ख़राब हो गया, यह तो बोलते हैं कि आपका ये मशीन ठीक नहीं है, बाहर भेजना पड़ेगा। लेकिन ब्लड में तो ऐसा कुछ नहीं, ब्लड में तो हम जितना तक मेरा तो रिपोर्ट आया हुआ है ना, लेकिन वही है कि आपका एक दिन में दायक नहीं मिलता है आपका। अब सुबह क्या बोलने से कम आफ्टर 5 शाम को लेना है, या तो नेक्स्ट डे को लेना है। कभी कभी हम लोग ईटानगर से इतना दूर से आता है, हाँ तो हम लोग तो ट्रिम्स में अपना ये ट्रिम्स यहाँ ठीक है बोल के वहाँ से यहाँ तक आ जाता है, तो बाद में जाके हम लोग नेक्स्ट दिन भी आना पड़ता है ब्लड रिपोर्ट लेने के लिए। वैसे तो अभी मेरा पेशेंट भी अभी अंदर में बैठा हुआ रुका हुआ है, तो हम थोड़ा सा जल्दी ये करें। आपको नहीं लगता है कि अभी उसको तो अभी इमरजेंसी में अभी उसको भी लेना है, सिलेंडर लेना है जो है ना, जितना सकता है बाहर का जो चीज़ है अगर अपना गवर्नमेंट या होता है तो बहुत अच्छा है। और किसी का आपका ऐसा हो जाता है कि गवर्नमेंट में हम लोग ये होप करके विश्वास करके यह आता है, तो बाहर अगर हम लोग टेस्ट करने चला जाता है तो कभी कभी 10-20 हज़ार भी हो जाता है, तो उसको अफोर्ड नहीं भी कर सकता है कोई। तो प्रॉब्लम तो बहुत सारा प्रॉब्लम है, लेकिन ये हेल्थ मिनिस्टर को वही है थोड़ा सा ये सब, इतना बड़ा बिल्डिंग बनाने से भी क्या हुआ है ना, मेन तो अंदर का जो फंक्शन है वो सही चलना है और आपका पेशेंट को तकलीफ नहीं मिलना है। अच्छा, आपका पेशेंट जो एडमिट है ना? हाँ, अभी मेरा वाइफ ही एडमिट है अभी, उसको ये ओपीडी में वो करेगा। हाँ, या हॉस्पिटल की तरफ से या आप लोगों को फ्री मेडिसिन मिल रहा है क्या? नहीं, अभी 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 तो फिलहाल हम आपका ये फ्री मेडिसिन तो आपका वो है कि आप एडमिट होना पड़ेगा, उसका बाद आपका सीएम कार्ड फंक्शन होगा, तब जाके फ्री मेडिसिन लू का कुछ मिलता है क्या? वैसे तो इतना आइडिया तो नहीं लगा अभी तक, तो जब हम लोग वो ओपीडी में जब हम डाल देते हैं और सॉरी ये इमरजेंसी में जब जाता है तो कुछ लेना है तो हम बाहर से लेके आ जाते हैं। बाहर से लेते हैं? हाँ हाँ, दवाई लोग को सरकारी हॉस्पिटल में। हाँ हाँ, जो एडमिट है, हाँ ऑपरेशन करता है, सेमो जो
दुकान है उससे मिलता है, लेकिन जो एडमिट ने जो ओपीडी का पेशेंट भी है जो एडमिट है ना जो जैसे अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरा तो इमरजेंसी में है, इमरजेंसी तो हम तो ये बाहर से लेके आए दवाई लोगों को। यहाँ में तो सरकारी हॉस्पिटल में तो दिया जाता है ना, बाहर के हमारे दूसरे बाहर जो दूसरे स्टेट है जैसे आसाम हो गया, जैसे आपका मेघालय हो गया, उन लोगों में तो काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट का तरफ से मेडिसिन दिया जाता है सील मार के दवाई में, नॉट फॉर सेल, गवर्नमेंट ऑफ ऐसे लिख के, जैसे वहाँ का मेघालय का उन्हें मेघालय में आपको ऐसे देखने को मिलता है यहाँ ना, वैसे आप लोगों को दवाई मिल रहा है ऐसे ना, वैसे तो दवाई तो हम इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन जब हम जब मेरा ये मिसेस को जब यहाँ में हम एडमिट किया था सीएम कार्ड से तो हम निकला था सीएम कार्ड से, हाँ हाँ, तो वहाँ से कुछ परसेंट वो लोग गवर्नमेंट का तरफ से हो जाता है। यहाँ में पिछले महीना में ना एक भैया का मेरा एडमिट हुआ था, तो उसमें एक टेलता है ना कुछ चीज़ मतलब यहाँ से उधर ये पेशेंट को पहुँचाना है, हाँ तो हाँ लेटने देखिए वो चीज़ जो मतलब बहुत कमी था, ढूंढ के उसमें ढूंढने में एक घंटा लगा है हमको, हम लोग को ना, तो उसमें बहुत सा ये नर्स को वो ये डिपार्टमेंट इमरजेंसी का डिपार्टमेंट में हम ये भी चैलेंज किया थे, अभी ये सामान हम मिला है जहाँ मिला है हम उधर रख देगा ऐसे बोल दिया था, तो वो लोग भी ने ऐसे मत बोलिए ना कि यहाँ जैसे भी ये हम लोग का डिपार्टमेंट का है बोल के ऐसे बोला, तो डिपार्टमेंट ने तो आप लोग संभालना चाहिए ना, वो चीज़ बहुत कमी है यहाँ पे, और बाकी तो हमको आइडिया नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, वही चीज़ मिला था तो बहुत प्रॉब्लम पेश मिला, उस ऊपर से बारिश भी था जी, ये तो बहुत बड़ा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, एक व्हील चेयर मिलना ना, हाँ आप खुद वो गुड खुद हम खुद ढूंढ के लाया है, और हम अकेला नहीं था, वो तीन चार बाइक को ही भेजा है, एक बेजाय नहीं मिला है, तो लास्ट में देखा गया तो वो जहाँ करा करता है ना जहाँ टिकट लेता है तो उसमें बारिश में पड़ा हुआ था, एक ही पीस मिला है हमको, एक ही पीस सिर्फ दिखा, इसलिए हम क्वेश्चन भी किया था कि सिर्फ एक ही है क्या आप लोग का डिपार्टमेंट में ना, कम से कम 100 जैसे होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से पेशेंट जो स्ट्रोक वाला था तो हमको तेलना था ये बेडशीट में ले जाना था जहाँ एडमिट करता है, तो उसमें एक दो घंटा ऐसे वेस्ट हुआ था हमको, वही पेश किया था, तो आज तो ये किसी को और विजिट करने जा रहा है जी। तो आपको उस समय में यहाँ के जो डॉक्टर्स है जो स्टाफ है क्या मतलब क्या क्या करके बोला है? नहीं वो लोग ये बोला है कि ये क्या बोलते हैं खुद ही जाके ढूंढना है ना सामान को, हाँ खुद ही जाके लेना है, कहीं में होगा, इवन बैठने वाला चेयर भी होता है ना तेलने के लिए, वो तक भी नहीं मिला उस समय में, ये एक महीना का बात है तो उसको आपको नहीं मिला था, लेट के तेलने वाला भी नहीं मिला था, वो भी बहुत मुश्किल से मिला था हमको जी। तो एक्चुअली में तो इतना बड़ा अरुणाचल के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल, हाँ ये सब तो अवेलेबल होना चाहिए, कम से कम 100-200-300 जैसे होना चाहिए, और स्टाफ भी तो ऐसे जो इमरजेंसी केसेस, हाँ वो लोग का तरफ से काम कर देना है ना जी, ये पेशेंट को काम कर देना चाहिए, किसी को एंगेज कर देना चाहिए, ऐसे नहीं है यहाँ में, हाँ खुद ही ढूंढना है, खुद ही लेटा के तेलना है, ऐसे ही है फैसिलिटी जो। तो आप यहाँ के जो ये जो ट्रेम्स के ऑफिसर्स है, यहाँ के अथॉरिटी है जी, अरुणाचल जो अरुणाचल के गवर्नमेंट है जी, हेल्थ मिनिस्टर है जी, क्या अपील करना चाहते हैं जी? हम ये हेल्थ मिनिस्टर से यही अपील करना चाहता है कि आप यहाँ में देखिए, दूसरा स्टेट में जाके देखिए ना हॉस्पिटल में हम लोग ये क्या अटेंडेंस जो है सिर्फ पेशेंट को पहुँचाना है, पहुँचाने के बाद वो लोग बहुत क्विक एक्शन लेकर इनिशिएट लेता है, और ये उठाना और ले जाना सब कुछ फैसिलिटी मिलता है, लेकिन यहाँ में आज तक नहीं मिला है, और गवर्नमेंट को हम यही अपील करेगा कि प्लीज़ ये सब चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए ना, कि पेशेंट सीरियस वाला को यहाँ स्टाफ अवेलेबल होना है, ये पहुँचाने वाला होना है, या गाड़ी से नमाने वाला भी होना है, हॉस्पिटल में तो सिर्फ पहुँचाना है तो पेशेंट को, तो उसका बाद वो लोग रिसीव करके सही ट्रीटमेंट देना है, उसका बाद सही इक्विपमेंट देना है, उसी को ही हम अपील कर रहा है कि यहाँ में स्टाफ रखना बहुत ज़रूरी है, कि तेलने वाला भी चाहिए, सामान लाने वाला भी वही चाहिए, स्टाफ तो होता भी होगा शायद दिखाई नहीं दे रहा है,
काम ही नहीं करता। हाँ काम ही नहीं, सिक्योरिटी तो बहुत है लेकिन सिक्योरिटी बहुत है, नर्स बहुत है लेकिन वो काम करने वाला नहीं है। हाँ जो सीरियस पेशेंट आता है तो रिसीव करना हो, करने वाला होना चाहिए उसका। बात यहाँ तो लोग इतना दूर दराज से आते हैं ना जी, अपशगुन श्री हाँ तो कहीं कहीं से भी आ जाता है, बहुत दूर दराज से। यही तो एक लोता सरकारी अरुणाचल की सरकारी हॉस्पिटल है जी जी, जी। देखने को मिले तो ये तो बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है, बहुत दुखद का बात है जी जी। लोग तो यही उम्मीद करके आता है कि हम कुछ यहाँ पहुँच के कुछ आराम मिले ना, तो यहाँ में ऐसे नहीं खुद ही करना पड़ता है। हाँ ट्रीटमेंट तो ये डॉक्टर लोग तो कर ही देता है लेकिन वही वर्कर्स नहीं है जो यहाँ के स्टाफ है, पेशेंट के लिए, पेशेंट के लिए वर्कर्स नहीं है। और आप यहाँ के जो क्लीननेस है, जैसे यहाँ जो साफ सफाई है उस पर क्या कहना? साफ सफाई तो देखा जाए तो बेटर है, बहुत ही बेटर है, लेकिन पान गुटखा तो कहीं भी जाओ दिखाई तो देता ही है। हाँ ये यहाँ में स्ट्रेक है बोलता है, ये अभी तक वो स्ट्रेक कम्प्लीटली नहीं है, 100% नहीं है। देखिए अभी भी लाल पड़ा हुआ है, कहीं भी देखो ये सीट का नीचे में भी टोके रखता है। ये चीज़ को थोड़ा स्ट्रेक करने से टिकी है एज ए हॉस्पिटल ना, इतना बड़ा हॉस्पिटल है अरुणाचल का लोटा हॉस्पिटल है, उसी चीज़ को साफ सुथरा रखने से बहुत अच्छा रहेगा। हॉस्पिटल का मतलब ही साफ सुथरा रहना है। तो गंदगी वो जी से जो जी जी उसी से फिर कैंसर फॉर्म होगा, बहुत कुछ बीमार फैलेगा, जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है जी, टीबी हो गया जी जी, बहुत कुछ होता है ना, जी उससे फैल सकता है ना जी, ऐसे बीमार होके हाँ उसी से ही फैल सकता है। तो ये चीज को कम्प्लीटली 100% स्ट्रिक करने से टिकी है। और ये हम जनता को भी यही अपील करेगा कि आप लोग भी ये सब जानता है तोबाको आइटम, ये सब तमोल पान गुटखा ये सब तो हानिकारक चीज़ है ना, तो उसको भी हॉस्पिटल में ये आप लोग जानता है स्ट्रेक है फिर भी कहता है, वो लोग का भी गलती होता है, जानबूझ के कोई कहता है तोकता है, अपना हॉस्पिटल नहीं समझता है, और खुद सफा होने से ये भी सफा होगा, ये सब भी सफा हो जाएगा। वही एफिल रहेगा कि मत खाइए ना। इसमें ऐसा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मतलब ये एक टाई अप एक कंपनी के साथ, तो उधर में डिस्काउंट में मिलता है हर एक दवाई का, एमआरपी से तो डिस्काउंट में ही होगा, उसमें भी अलग अलग वेरिएशन रहेगा डिस्काउंट का, मतलब हर एक मेडिकेशन में अलग परसेंटेज में डिस्काउंट रहेगा। गवर्नमेंट का रेट वो फिक्स्ड है, वो एक रेट कॉन्ट्रैक्ट रहता है जिससे कि मतलब कम दाम में मेडिसिन अवेलेबल करने के लिए, और वो जेनरिक और ब्रांडेड दोनों रहेगा इधर में। नहीं नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्कीम के अंदर आता है जी। फ्री वाला ऑलरेडी इधर में एक है जी, वो एक फ्री वाला ऑलरेडी एक है इधर में मेडिकल में, सेकंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में एक ऑफिस है, उधर में फ्री मेडिसिन है, और इधर में, उधर में जो अवेलेबल नहीं होता है वो इधर में अवेलेबल करने के लिए ये खोला गया जी। कौन से पेशेंट को कैसे डिस्काउंट? वो हर एक पेशेंट के लिए डिस्काउंट है, और जो इंश्योर्ड वाला पेशेंट है जिसका इंश्योरेंस रहता है तो उनके लिए तो फ्री है जी। जिसका इंश्योरेंस है उसका तो फ्री हो जाएगा, जिसका इंश्योरेंस नहीं है उसको भी डिस्काउंट में मिलेगा, हर एक चीज़ एमआरपी से डिस्काउंटेड प्राइस में ही होगा। ओपीडी के लिए ही बोल रहे हैं जी जी, ओपीडी कोई भी पेशेंट हो, अगर वो बाहर के कोई प्रेस्क्रिप्शन लेके आता है फिर भी उसको डिस्काउंटेड प्राइस में ही मिलेगा, बस प्रेस्क्रिप्शन होना है साथ में, एक्चुअल लेजिट प्रेस्क्रिप्शन होना है तब मिल जाएगा। लेजिट होना है वो मतलब सही होना है, अगर कोई कोई ऐसे दवाई गलत से लिखवा के ला देता है तो वो तो नहीं मिलेगा। नोटिस दे के ये सब पब्लिक को ना दे देने से टीके, हम ऐसे बोल जो नोटिस दे के आदमी पब्लिक जो आएगा जो पेशेंट है, कोई कोई सीरियस पेशेंट आता है ताकि नो आज आज बने बोल के ओपीडी बने, ऐसे नोटिस देने से टीके वही हम बोल मेडिकल ये बोलने से, ये सब बोलने से पब्लिक भी उसको अवेयर करना है खुद भी ना, ये सब और गुटखा सुटका खा के ये तुक फेंकना पब्लिक के लिए भी ठीक नहीं है, पब्लिक भी ना उसको भी खुद समझ के ये सब करने से ठीक है। ये सिर्फ हाँ मेडिकल डिपार्टमेंट के लिए सिर्फ ये वो नहीं है ना, उसको उसको वो करने के लिए भी नहीं है, वो पब्लिक के लिए भी खुद भी ये उसको सोच के ये अपना मेडिकल के लिए उसको साफ सफाई रखने के लिए ज़रूरी है, ये वो पब्लिक भी सोचना है अपना मेडी के लिए, अपना लोग का अरुणाचल का है बोल के खुद का है वाल में तुक ये सब नहीं फेंकने से ठीक है, हम ऐसे बोलना चाहता है वो ये।
ये गंदे में से किसी को ना यहाँ तो मेडिकल है, कोई बीमार वाला आता है खूब देता है हाँ, तो इससे बीमार भी फैल सकता है हाँ, वो जरूर दीजिए से होता है ना हाँ, जैसे आपका जो ये टीबी हो गया हाँ, तो सब कुछ होता है, तो क्या लगता है आपको यहाँ का जो मेडिकल है सफाई करना चाहिए, पब्लिक भी खुद याद हो गए, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ मेडिकल ये डिपार्टमेंट जो सफाई करना जरूरी है, फिर भी ये उसका मेडिकल डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट के लिए भी वही नहीं है, सफाई तो वो लोग करना जरूरी है और पब्लिक को भी अवेयर देना ये सब टूक ना फेंके ना वाल में, ये पूरा फेंके जाता है टूक सूख, उसको अवेयरनेस देना ये सब नहीं करना है बोल के, वही है पब्लिक को अवेयर देना है, लेकिन पब्लिक भी खुद अपना मेडिकल को साफ सुथरा रखने के लिए कोशिश करना है, ये नहीं करना है बिल्कुल नहीं करने से ठीक है, वो तो बहुत गलत बात है वही वही। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये ट्रिम्स हॉस्पिटल है जो अभी हम लोग अंदर में है, जो यहाँ जो यूरिन टेस्ट ब्लड टेस्ट वगैरह जो रिपोर्ट लेता है ये सामने में, तो इसी सामने में ठीक दरवाजे के पास आप देख सकते हैं पूरा बीमार तुक पूरा गंदगी तुक के रखा है। क्या मैं यहाँ के जो दर्शकों यहाँ के पब्लिक ये क्या आप लोग सही इतना गंदगी फैलाना आप लोग सही लगता है क्या मेडिकल में? और यहाँ का कर्मचारी भी तो सफाई करना चाहिए और जो ऐसे करता है उन एक्शन भी तो लिया जाना चाहिए, जो है यहाँ के जो जो स्टाफ है यहाँ के अथॉरिटी है मेडिकल के, ऐसे गंदगी जो करता है जो लोग पब्लिक यहाँ के ऐसे गंदगी फेंकता है उन्हें भी तो एक्शन लिया जाना चाहिए ना, ये तो सरासर बहुत गलत हो गया ना, इतना गलत गंदगी इतना बीमार पूरा तुक के रखा है ऐसे फेंक के रखा है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ भी यहाँ पूरा बीमार है, और आप यहाँ भी देख सकते हैं यहाँ पूरा थोड़ा ब्राइटनेस को बढ़ाना आप खुद देख सकते हैं इतना गंदगी, ये देखिए इधर भी देखिए, ये तो सरासर बहुत गलत बात है ना, यहाँ का अथॉरिटी भी तो ऐसे चीज़ को एक्शन लेना चाहिए ना, लोग भी इतने गंदे गंदा फैलाता है कि अपना ही यहाँ हॉस्पिटल में, यहाँ से आपको बीमार गंदगी फैल के किसी को बीमार मिल सकते हैं, कोई बीमार वाला आके जो बीमार का आके तुक फेंकता है ये देखने में भी इतना खराब दिखता है, और यहाँ के अथॉरिटी भी तो ऐसे चीज़ को एक्शन लेना चाहिए, एक्शन लेके जो करता है और साफ सफाई भी तो करना चाहिए। लोगों को भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग हॉस्पिटल में आके बीमार पान मसाला तबाको जो भी खा के मेडिकल में ऐसे तुकना तो बहुत गलत बात है ना, और यहाँ की जो अथॉरिटी है उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ आप ऐसा जो गंदा काम करता है मेडिकल में उन्हें एक्शन लेना चाहिए, आप लोग एक्शन लेके जो लोगों को करने नहीं देना और साफ सफाई भी करना चाहिए, ये तो इतना गंदगी है ना यहाँ बीमार तुक के रखना पूरा तुक दीवार को पेंट कर दिया जैसे है वो सोना। तो मैं और लोगों से भी जानेंगे कि अभी या मैं क्या क्या मेडिकल में साफ सफाई के बारे में कैसे है और लोगों को क्या फैसिलिटी क्या प्रॉब्लम हो रहा है। बाहर से आदमी आ रहा है ओपीडी ऐसे ही बंद है, नोटिस भी तो वाले दिया नहीं है, आप लोगों को यह पता नहीं, आप लोग यहाँ में तो आप लोग ही तो काम करते हैं, तो आप लोगों को भी नोटिस नहीं दिया क्या आप लोग यहाँ का? अभी तो डिजिटल समय में तो व्हाट्सएप ग्रुप होता है ना, या एक पब्लिक के लिए भी एक नोटिस जारी कर देना चाहिए ना, इतना बाहर से आते हैं। लेकिन उसका ये जो अभी हम भी देखा है यहाँ में ना, आज गवर्नमेंट ये नोटिस ये दिया है गजेटेड नोटिस और कैलेंडर में, इसके लिए कैलेंडर कैलेंडर में है देख सकता है उसमें, लेकिन पब्लिक व्यू के लिए भी तो पब्लिक नॉलेज के लिए भी तो वह एक नोटिस देना चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला सबसे बात एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसे बुरी अम्मा भी बेचारा वह तो आता था बोला एक दो बार आया है बोल, लेकिन यहाँ इमरजेंसी वगैरह पता नहीं
बचर हुआ भटक रहा था। तो सर इसका क्या समस्या है? तो इतना तकलीफ है, लोग बाहर से कोई इटानगर से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, कौन है? आप लोगों को नोटिस नहीं मिला है ना सर? तो नोटिस नहीं मिला मतलब उधर ऑलरेडी पब्लिक ग्रेजुएटेड नोटिफिकेशन है ना, तो क्लेम ना, लेकिन पब्लिक को तो एक बार देना चाहिए ना सर, वो नोटिस लगाना चाहिए अथॉरिटी को। नोटिस भी नहीं दिया है आपको, कहीं भी नोटिस दिखाई नहीं दे रहा। हम भी ये ओपीडी खोलेगा सोच के आया था, तो गवर्नमेंट सरकारी ये तो मेडिकल तो एनी टाइम खोलेगा सोच के आया था, लेकिन नहीं खोला है। तो अभी प्राइवेट बैंक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, प्राइवेट क्लिनिक में। हाँ जी समस्या तो वही, मतलब अब टाइम निकल के आया, फिर मंडे में तो अपना ड्यूटी जाना पड़ता है, तो आज खोलेगा सोच के आया था तो नहीं खोला है, फिर मंडे में फिर आना पड़ेगा। ट्रैवल में तो प्रॉब्लम होता ही है, वो तो आजकल पेट्रोल में हो भाड़ा मार के आता है, अपना यूपिया से आता है, ऐसे भी रास्ता ख़राब है, अभी है भी ये बारिश का समय है, क्लाइमेट भी ठीक नहीं है ना, रोड भी ठीक नहीं है, समय निकल के बार बार आना पड़ता है, मुश्किल तो है। जी ओपीडी भी नहीं खोला है, वही नोटिस जारी करने से भी एडवांस दिखता है। जी जी और किन किन चीज़ों का समस्या का आप लोग को यहाँ में हॉस्पिटल में समस्या तो जैसे क्लीनेस हो गया, क्या प्री दवाई यहाँ में मिल रहा है? प्री दवाई तो अभी तक तो हम नहीं मिला है, लेकिन अभी हम अभी प्री ब्लड बैंक कुछ टेस्ट कराना था, प्री तो करके आया है।